दोस्तों खबर आ रही है कि भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत शुक्रवार की सुबह सड़क हादसे में शिकार हो गए। दिल्ली से उत्तराखंड जा रहे ऋषभ पंत की कार रुड़की से डाइवर्ट होकर टकराई। बेहद भयानक हादसे में पंत के सिर, कमर, पीठ और पैर में काफी चोटें आई। टक्कर इतनी भीषण थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद कार में आग लग गई थी और कार पूरी तरीके से जल गई थी। दोस्तों गनीमत यह है कि ऋषभ पंत कार से बाहर निकल चुके थे और समय के रहते रहते उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया था। ऋषभ पंत दिल्ली से अपने घर उत्तराखंड लौट रहे थे। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर जाल दुर्घटना के पास उनकी कार दुर्घटना हो गई। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत की गाड़ी काफी तेज रफ्तार में थी और डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी रेलिंग तोड़कर दूसरी तरफ पहुंची, जिसके बाद उसके अंदर आग लग गई। सुबह 5:30 बजे हुआ हादसा कितना भयानक था, इसकी गवाही दुर्घटनाग्रस्त कार की तस्वीरें दे रही है। दोस्तों जिस जगह पर यह दुर्घटना हुई वहां के हालात देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऋषभ पंत की तेज रफ्तार कार इसके बाद डिवाइडर से बीच एक पोल से टकराने के बाद रोड के दूसरी तरफ जाके उनकी कार गिरी। दोस्तों कार जिस डिवाइडर से टकराई और जहां पर जाकर रुकी उन दोनों के बीच करीबन 100 से 150 मीटर की दूरी है। दोस्तों इस भीषण सड़क दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। कार का सामने का हिस्सा काफी बुरी तरीके से खत्म हो गया। कार के पुर्जे सड़क पर बिखरे हुए थे। खबर के मुताबिक डिवाइडर और सड़क पर हादसे के निशान बता रहे हैं कि हादसा बेहद भयानक था। कार जितनी दूरी जाकर गिरी उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कार की रफ्तार बहुत तेज होगी। तेज टक्कर के बाद कार के अंदर आग लग गई और वो वहीं पर स्वाह हो गई। दोस्तों हादसे के बाद राहगीरों की सूचना पर गंभीर रूप से घायल ऋषभ पंत। वैसे दोस्तों शुरुआत में ऋषभ पंत की हालत काफी गंभीर थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार आया। दोस्तों पंत की हालत सुधरने के बाद उन्हें देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में ले जाया गया। यहाँ उनकी प्लास्टिक सर्जरी भी होगी। वैसे दोस्तों सक्षम हॉस्पिटल के डॉक्टर सुशील नागर ने बताया है कि ऋषभ पंत के एक पैर में फ्रैक्चर आया है और माथे पर भी चोट है। माथे पर कुछ टाके लगाए गए हैं। दोस्तों अब वैसे डॉक्टर की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर अब जरूरत पड़ी तो उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। दोस्तों डॉक्टरों के मुताबिक MRI के बाद पता चलेगा कि उनके घुटने में कौन सी हड्डी टूटी है। पंत को ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है।